लगन हर सी लगा बैठी जो होगा सलोनी सामनी मूरत गली बनमाल फूलों की उन्हीं पे दिल लुठा बैठे जो होगा देखा। प्रतु महाराज ने धनुष पर बाण चढ़ाया, क्यों पृथ्वी को मार सभी वस्तुओं को निगल गई है, इसे खत्म कर दूंगा। पृथ्वी माँ गऊ का रूप बनके आगे रमाने लगी, गऊ का रूप बन के आ गया। महाराज मारो मारो, पहले तो मुझे समतल करो, गड्ढे है उनको समतल करो। दूसरे में बताती हूँ सुपा से, मुझ में जो भरा हुआ उसका दोहन कर लो। ठीक वही किया प्रभु महाराज। ऋषयो तुरे देवी इंद्रेश सत्रमय वत्सम बृहस्पतिम कृत्वा पयक्षेदो मयम सुचिः। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया, इंद्रिय रूपी पात्र में परम पवित्र वेदमय दूध का दोहन कर लिया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, कंचनमय पात्र में अमृत वीर ओज बल रूप मय दूध का दोहन कर लिया। दैत्य दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में सुरा आसव रूपी दूध का दोहन किया। गंधर्व अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमलमय पात्र में, को बछड़ा होगा तभी तो जो है कहते नहीं गैया तभी तो झड़केगी भी है, ये बिल्कुल सत्य कहा, उसके लिए जरूरी नहीं वैसे भरकनी दे दो और हाथ दे झड़काओ तो बात अलग है, पर एक को बछड़ा बनाओ तुरंत तो दिवस दूध देने लगेगी। धोनी में मधुर में बात सुंदराद गान विद्या का दूध दोहन किया। माँ भगवान श्राद्ध देव ने श्रद्धा के अधर्मा नाम के पित्र को
बछड़ा बना करके दूध का दोहन किया, तक्षक को बछड़ा बना करके विष का दोहन किया, अपनी अपनी सभी वस्तुओं का दोहन सबने कर दिया। अब तो पृथ्वी में खुशहाली, अब देखो भोजन मिल जाए, फल मिल जाए, सब्जी मिल जाए, रस मिल जाए, गन्ने का रस मिल जाए, अब तो गर्मी है, गन्ने का रस जूस मिल जाए, मुंह में पानी आ जाए, एक गिलास हमें दे दो, नंबर लग जाए, को कोई मने नहीं करे। सभी पदार्थ जो है पृथ्वी के मानवों को मिलने, अब तो खुशहाली। महाराज परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी ये पृथ्वी का दोहन पृथु महाराज ने किया, इसलिए 24 अवतार में प्रथम नाम पृथु का माना गया। अब हमें भरत जी का चरित्र सुनाओ, जड़ भरत। पहले ऋषभ देव का जन्म हुआ है, ऋषभ देव भी भगवान के परम भक्त थे, अवतार माना है ऋषभ देव को। और ऋषभ देव भी कैसे थे, अजगर वृत्ति थी जिनकी, ब्राह्मण कुल में थे, ऋषि थे, इनकी अजगर जैसी वृत्ति, अजगर जैसी वृत्ति, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न गांव, दास मलुका कह गए सबके सीता। अजगर एक जगह रहता है, अपने आप भोजन भगवान देता है, तो देने वाला परमात्मा है और लेने वाला भी परमात्मा है, वो देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, लेता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है, उसे देने में देर नहीं लेती। गीता में इसने पूरा सामान भोजन का, और पंडित जी के लिए पूसा को उड़ाई बढ़िया से, और लेके पंडितानी के यहाँ घर में पहुंच गए, मैया मैया ये भोजन सामग्री ले ले, आज पंडित जी ने मेरी पिटाई करी है, देखो रोम थे भगवान, और देखो कमर कनपटी में चाट होता हुआ पंडित जी ने। पंडितानी गुस्सा आई, जिन्हें को दया ना लेने के, छोटे से बच्चा की कैसे पिटाई करी, बैठ घबरा कर बैठ भगवान बैठा रहे। पंडितानी ने अपने हाथ मुंह पोंछो, रो रहे आंसू गा रहे, रोए मत मैया जी, सामग्री ले ले, यहाँ में खूब घी डाले, नमक मिर्ची आटा सब रखा है, भगवान देख चले गए। पंडित जी मंदिर में थे, गुस्सा में आगे बैठे, देखे जिस लोग बिल्कुल झूठा है, मैं जो समझते को सच्चा होगा, भगवान सच्चे होंगे। जैसे ही पंडित जी घर आए तो चूल्हों से लगे रहो और दारे को भगोने रखी और माल फरात में रखो। पंडित जी बोले, पंडितानी यूं बता जा, कोई देखो को देखो तो कोने पर दिलो तेरे। पंडितानी गुस्सा आई, तुम चुप रहो, बस तुम्हें नेक दया ना तुम्हारे, बस छोटे से बच्चा की कनवटी चाटो तो तुम रो ही रहो, मैंने मां को मुंह पोछो देखो, जैसे ही हाथ देखा तो वो इस लोग हाथ पे लिख गया, हाथ से पोछा भगवान का मुंह, वो इस लोग हाथ पे लिख आ गया। पंडित जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम, पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके मुख पे कालिख लगा दी, श्लोक पे कालिख लगाई। पंडित जी ने गीता की पुस्तक खोली और जो वो देखा श्लोक तो सोने के अक्षरों में लिखा आ गया, उसने कहते पोता हट गया सोने के स्वर्ण अक्षर। पंडित जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम, प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा बड़न को चाहिए छोटे को उत्पाद, हरि को घटो सो भ्रगमारी लात। और ही कथा की ओर चलते हैं, ऋषभ देव ने अजगर वृत्ति, ऋषभ देव भी भगवान का भजन करते रात दिन, कहीं भी घूम रहे रात दिन भगवान के भजन में, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
उस समय ऋषभदेव भूमना भगवान का भजन करता, समय आया प्राणांत हुआ, एक परिवार में ब्राह्मण देव के यहां जिन्होंने जन्म लिया, जहां 9 पुत्र और 1 कन्या हुई, इनमें भरत सबसे छोटे थे। भरत तो राजा हुए और इन्होंने देखा कि मैं भजन नहीं कर सकता, गंडकी नदी के किनारे चले गए। गंडकी नदी के किनारे पहुंचे और वहां तपस्या करने लगे। भरत के कारण ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं। एक दिन क्या देखा, नदी के किनारे एक मृगी आ गई, हिरणी। उधर से देखा कि सिंह ने दहाड़ दी, जैसे सिंह ने दहाड़ दी मृगी ने छलांग मारी। छलांग मारी और गर्भ में जो बच्चा था वो नदी में गिर गया। भरत ने दौड़ी देखी, उस बच्चे को गोदी में ले लिया। अब देखिए, बच्चे को गोदी में लिया ये तो अच्छा किया, पर ये अच्छा नहीं किया कि मन में बसा लिया। वो आ गया, भरत झोपड़ी में उस बच्चे को ले गए, मृग के बच्चे को। अब सोते हैं, बगल में सुलाते हैं, हरी हरी धूप खिलाते हैं, जल पिलाते हैं मृग सावक को। मन मृग सावक में लग गया। एक दिन समय आया, मृगों का झुंड चरता हुआ आया और वो बच्चा उछल के अपने झुंड में जात वालों में मिल गया। ऐसा होता है। मीराबाई कहती थी, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। भक्त को भक्त मिल जाए तुरंत मिल जाएगा, जात वालों को जात वाले मिल जाए तुरंत मिल जाएंगे। रण का सावक दूर चला गया। अब तो भरत का मन मृग सावक में, कहां चला गया, कौन ले गया, कोई खा तो नहीं गया, अब तो भजन पूजन भी छूट गया। गांव के किसान ने कही, भैया माए खेत की रखवाली करते हो? बोले आओ। खेत में सुंदर बाल खड़ी थी, खेत की मेड़ पे पहुंच गयो, कहा देखो एक चिरैया आई। चिरैया आई, चिरैया ने आके बाल पे बैठी, बाल हिली, चिरैया उड़ गई। भरत ने सोची मोई देख के उड़ गई, राम की चिरैया राम को खेत खाऊ चिरैया भर भर। चिरैया कहीं मत जाओ, आओ उसी खेत में आओ। चिरैया ची 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 करके पूरी चिरैया उसी खेत में आ गई, पूरा खेत गेहूं का खाली, एक दाना नहीं। खेत की मालिक थी, कह दी भैया ऐसा रखवाई बात ने बढ़िया पहुंचा पाए, मामे एक दाना उन्ना। ऐसे ही है तुकाराम भक्त। तुकाराम भक्त ने एक खेत 25 मन गेहूं पे ले लो। भैया मैंने तो 25 मन गेहूं दे देंगे, भैया खेत में दे दे, 25 मन गेहूं में ले लो। ऐसे ही तुकाराम ने चिरैया चुगाई दी और गैया चरा दी खेत में। मालिक थी कही, भैया माने तो चौपट कर दो खेत, तो गेहूं करते देखो 25 मन। तुकाराम को बुलाया, क्यों तुकाराम, खेत में गेहूं 25 मन कहां से दोगे? तुकाराम ने कहा कि तुम तो खेत कटवाओ, अब डंटल खले एक उबालना ने, ऐसी खेत काटेंगे तो दुनिया से भी, तुम तो खेत कटवाओ। खेत कट कट के खेत खलियान बीच आयो है, फिर आने में आएगा। अब दाएं दिबाओ, बरधन की दाएं ताके ऊपर तो दिवाई है, बेलन की दाएं दिबाई दी। पहले कहा करते रास की पूजा करते,
तो कह रहा है वो बैठा है खेत खलिहान में और क्या कहता है, कजी और कोया सरोई कृपानिधि नाम तुम्हारे की भेंट कसी है और दीन दया लसुने जब ते तब ते और मेरे में सी बसी है और है तुम्हारो मैं जाऊं कहां प्रभु जा विधि जा लमी न फसी है और है तुम्हारो लाज गई प्रभु मेरी हसी नन तेरी हसी है। हे प्रभु आज जा मैं 25 बन के हूं नहीं निकले सी मेरी नहीं होगी, दाएं दबा दी और रास इकट्ठी हो गई। रास पे बिहारी ने रास तो रचायो है, भगवान वृंदावन बिहारी लाल आ गए उस बा पे रास पे नचने लगी। तुकाराम को दिख रहे किसी को नहीं दिख रहे थे, तुकारो की आंखों में आंसू आ गए, मेरे प्रभु इसमें गेहूं बढ़ाने के लिए और मुरली मनोहर आज रास पे रास कर रही है लेकिन मालिक को नहीं दिखाई दे रहे थे। जैसे बसायो गयो तो कहा भयो तोल तू गेहूं पूरे 25 मन पाए, गेहूं निकले तो पूरे 25 मन निकले। बोलो कसल भगवान की जय। वही कथा की ओर चलते हैं। भरत ने खेत में चरैया चुगा दी, गैया चरा दी। एक खेत के मालिक ने कि भैया हमारे खेत में मेड़ बांधे वो ले हो फावड़ा लेकर चले गए तो खेत में 10-8 गड्ढा कर दिए। भरत जानता था सीधा काम कराऊंगा तो सब करागे, उल्टे सीधे करेंगे तो कुछ करागो ही नहीं। ये सबसे बड़ी चालाकी आजकल घर में वैसे आते बोले काय जे तो सही ना हो तो वो तो सही है पर सही है कत ना। एक दिन क्या देखा, भरत जी गए वन में विचरण कर रहे थे, एक डाकुओं का सरदार आ गया जिसने क्या देखा, उसके पुत्र नहीं था। उसने विचार किया, दुर्गी मैया ने कही कि मुंह पे को बलिदान दे देखो मनुष्य की तो बाकी संतान है जाती। डाकुओं के सरदार ने सोची होने देखो भरत ही घूमे रहो बजाई की बलि दे दू, बलिदान देने के लिए काली के मंदिर में भरत के लेके बोले चले गए चलो। बोले खागो को यहां पकवान पंचमेवा मिठाई जो भी, भरत तो बैठ के आराम से खाए। डाकू बोले इसे मरने का जरा भी डर नहीं और खाएगा, बोले हाँ ले आओ खूब खाए। तलवार हाथ में ले ली मारने, माँ दुर्गे ने विचार किया एक निर्मल मन आत्मा वाले ब्राह्मण की बलि लगे, माँ दुर्गे उसके तेज को सहन नहीं कर पाई और अट्टहास करके मैया दुर्गा प्रकट हो गई। पर सच्चे दरबार की माने डाकुओं के सरदार को खत्म कर दिया, माँ की कृपा हो जाए संसार में कोई बड़ा नहीं है। दुर्गे तेरे चरणों की मैया तेरे चरणों की घर ढोल Yeah।
मैया के दिन भी चले, नवरात्रि भी चल रही है। माँ की हमारे यहाँ बहराने वाली माँ है, एक जयकारा बहराने वाली माँ का बड़े जोर से पर बहराने वाली मैया की जय। ऐसे नहीं जयकारो बोलो ना, मैं कछु माता बहने कछु भाइयों ना बोले, चुपचाप बैठे। अरे जयकारे में कंजूसी गायगी भैया, जामे पैसा ना लग रहे हो। खूब बड़ी जोर से जयकारा सभी बोलना, जयकारा बोलोगे उस पर माँ की कृपा होगी, और जयकारा नहीं बोलेगे ताको माँ को आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सब बड़ी जोर से बोलना, बोल दुर्गे मैया की जय हो, सत्य दरबार की जय हो। हाँ, माँ की कृपा। भरत तो माँ के दरबार से बाहर आ, माँ ने भरत जैसे क्या हुआ था, पाताल में रावण बलि देने ले गया था, किसकी, राम लक्ष्मण को। उस वक्त भी बलि देने मैया पे ही ले गो, पाताल देवी पर। अब पता चल गया हनुमान को, जाने वाले हनुमान ही तो थे। हनुमान जी जाते हैं, इधर में अहिरावण कहता है, राम तुम्हें किसी से मिलना है। मरते वक्त अंते में छाकी कहते हैं, अहिरावण ने क्या कहा, राम किसी से मिलना है। राम ने क्या कहा कि कहा करी करतार ने, ओ दूरी परे है आए, जो कहो होते भरत सुत तो कछु करते सहाय। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम्हें किसी से मिलना है। बोले मकर ध्वज का पहरा था दरवाजे पे, मकर ध्वज को बाहर बांधा, हनुमान जी पहुंच गए, चंडी को नीचे दबा दिया, प्रकट है गए। पर अहिरावण है तो चंडी दिख रही, बलि देने को तैयार हुआ। हनुमान जी ने जय श्री राम छोटा हाथ में लिया, धड़ा अहिरावण के सिर में दे दिया। राम और लक्ष्मण को हनुमान जी कष्ट में देख सकते, कदा धन्य है हनुमान के लिए। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत, हनुमान जी का प्रताप चारों युग में। आज भी कोई भी घर में विशेष कष्ट है तो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन, इसे कई लेते पर करते नहीं। घर में कैसा भी कष्ट हो हनुमान जी की शरण में पहुंच जाओ और 1 से 8 हनुमान चालीसा के पाठ कर दो, गारंटी देते कष्ट नहीं रहेगा। जो सतबार पाठ कर जोई और छूटे बंद महासुख, ये ध्रुव सत्य है। हमने स्वयं ऐसा कर लिया है। एक बालक था, लखेजरा की बात है, लखेजरा गांव है बगल में, सवर से पहले बालक हो गया था, चला गया था। आए पंडित जी, हमारे बालक ना आ रहे हो, 1 महीना आ रहे हो। कुछ मन में आएगी भैया, हम भी हत्तों को सुना, हनुमान चालीसा के 1 से 8 पाठ कराए थे।
हनुमान चालीसा के 108 पाठ हुए और 8 दिन के भीतर में खोया हुआ लड़का घर आ गया। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। एक बार सत्यभामा को, गरुड़ को और सुदर्शन चक्र को जब घमंड हो गया था, तो हनुमान जी के द्वारा ही द्वारका दूसरे तीनों का घमंड दूर कराया। कैसे कराया? हनुमान जी का आह्वान कर दिया द्वारका के बगीचे में। बगीचे में हनुमान जी आ गए, गरुड़ से कहा, गरुड़ जाओ बगीचे में एक बानर आ गया है, फलों को खा लाओ, उसे भगा दो। गरुड़ भी बलवान था, गरुड़ गया, गरुड़ ने कहा, ए बानर क्या कर रहे हो? हनुमान जी कहे को सुनते, सुने तो तू ताय कछु को डर होई, अतुलित बल धामम हेम शैलाव देहम दनजवन कृसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानाम अधीतम रघुवर प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इति गुणे इति गुणे बाप आय गुण रघु और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी। आठो सिद्धि अब डरपे को कहते, एक सिद्धि कर लेते प्रेत सिद्धि तो पाके हुए मुझे पंगा बदरी नहीं उड़ा देंगे। गरुड़ ने कही, नहीं सुनी। गरुड़ ने पीछे थी हनुमान जी की पीठ में चोंच दे दी, जो मुड़ के देखा पकड़ के गरुड़ समुद्र में, समुद्र पे फेंका पंखे फड़फड़ाए के और द्वारिकाधीश की, प्रभु बंदर बलवान तो हटे ते मैं बराबर उड़ ना सका तू, जैसे कहूं को एक चाट हो दूं तो अब की देखें देख ते किस्सा गरुड़ों का है रे भगवान का। अच्छा उड़ ना सका ते बराबर वहां जाओगे देखा तू। भगवान ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा तुम जानकी बनो और मैं राम बनेंगो तो ही आवेगो, तो ही माथो नवागो नहीं बोली नवागो। सत्यभामा जानकी बन गई। सुदर्शन चक्र से कहा, चक्र तुम दरवाजे पे खड़े हो जाओ पहरेदार बनके, कोई अंदर आए तो आने मन देना खत्म कर देना। सुदर्शन चक्र की मोहब्बत भीतर को ऐसे कहते, दरवाजे पे पहरेदार सुदर्शन चक्र। इधर में गरुड़ से कहा कि जाओ, बानर से कह दियो तेरे स्वामी बुला रहे और यूं कहियो राम बुला रहे, कृष्ण मत कहियो, ये बोले यादो हनुमान तो राम भक्त। गरुड़ पहुंचे, गरुड़ ने कहा, ए बानर, नहीं सुनी, जो झूठ गए बानर सुनता नहीं है। हनुमान जी पीछे निगाह करे, गरुड़ कही पहले पकड़ो तो फेंक दो, अब की पकड़ लो तो नमूना रण करते हो। गरुड़ 10 कदम दूर, अरे बानर सुन, सुना क्या कह रहा है? तेरे स्वामी बुला रहे हैं। कौन स्वामी? राम। राम कहते ही हाथ में हनुमान जी खड़े हो गए, नचने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी ने कही तू जा रहे भजे ले छोड़ा को नहीं, गरुड़ उड़ के चला, हनुमान जी चले जय श्री राम, उड़ के गरुड़ के पहले पहुंचे। क्यों? जिस वक्त लक्ष्मण जी की शक्ति लगी, राम जी ने क्या कहा? हनुमान द्रोणागिरी से संजीवनी आ गई। हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? कि पवन वायु पुत्र में ओ जाऊं पवन समान, आऊं पवन समान ही सुधीर धरो भगवान। वायु की तरह सोने वाले थे हनुमान जी, पहले पहुंच गए गरुड़ से। क्या देखा? दरवाजे पे पहरेदार
सुदर्शन चक्र चक्र के ये बैनर अंदर नहीं जाएगा। तू कौन है? मैं यहाँ का पहरेदार हूँ, खत्म कर दूंगा। हनुमान जी को गुस्सा आ गई, पकड़ो काका में दबाए, एक काका में बंद कर लिया, रोका काका में तो निकाल दो, जा सुदर्शन चक्र ने रोको। शर्म के मारे गर्दन एक कोने में जाकर बैठ गए। अब सत्यभामा नकली जानकी बनी तो हनुमान ने कही, स्वामी एक बात पूछूं? पूछो हनुमान। तो जी माँ की जगह पे नकली को बैठा तो सत्यभामा की गर्दन नीचे को झुकी। हनुमान के हनुमान जी राम जी के चरणों में नीलाम भुजस्याम मलको मलांगम सीता समारोह पितवाम भागम आणो महासा यकचार चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। बोल भक्त शल भगवान। रावण के यहाँ से हनुमान जी ही राम लक्ष्मण को रामादल में लेके आए थे, वही कथा की ओर चलते हैं जहाँ भरत की कथा चल रही थी। एक राजा रघुगण थे, कहाँ के सौर सौवीर देश के, कहाँ जा रहे थे? कपिल मुनि के आश्रम में। काय के लिए? ज्ञान सीखने। पालकी में चार कहार लगे, पहले राजा पालकियों से ही चलते थे, चार कहार पालकी में लगे थे। राजा की सवारी वन में आई जहां भरत घूम रहा था, एक कहार कमजोर पड़ गया। राजा ने कही, भैया कोई मिल जाए उसको लगा लो, थक गया तुम्हें, देख लो कोई मिल जाए। भरत ही घूम रहे, भैया इतक हुआ तो बोले आओ। भरत आ गया, क्या बात है? लेकिन जब पालकी में लग जाओ, आओ पालकी में लग गए। अब पालकी चले, चेटा दिखे, चेटी दिखे, जीव जंतु दिखे, पाए उचका, पाए उचका में तो पालकी उचके, पालकी उचके तो राजा को सिर्फ पालकी। राजा ने कि इसमें कौन किस दुष्ट को लगा लिया, इसको चलने का भी तमीज नहीं है, ये माटी का डेला है, मरने फिरता है, पता नहीं है कौन बैठा है पालकी में। भरत ने फिर नहीं सुनी, फिर आगे चले, फिर चेटा जी को पांव चुकाओ, फिर राजा को सिर पालकी से लग। अरे अब ये मरने फिर रहा है दुष्ट को ही। भरत बोले, यार नहीं बोलेगो तो जी तो कल्याण नहीं होगा। भरत ने क्या कहा? कि राम नाम सो खुदाई भजन कर भाई, ये जीवन तो दिन का। Yeah.
मुझे डर है तो ब्राह्मण के अपमान से डर है, कहीं ये ब्राह्मण तो नहीं है। ब्राह्मण की बाणी से मुझे डर लगता है, क्यों? ब्राह्मण सबका गुरु है, क्यों? वेद में लिखा है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते ब्राह्मण ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्य ब्राह्मण ही देवता। सारा संसार देवताओं के अधीन है, वो भैरव बाबा की, कोई गांगी बाबा की, कोई बाबू बाबा की, कोई धौरेट बाबा की, वो हनुमान जी महाराज की सबन की पूजा की। और देवता का की बस में मंत्र के बस में, कुंती को मंत्र दिया दुर्वासा जी ने, कुंती जिस देव को बुलाएगी वो तेरे सामने आ जाए। कुंती ने सूर्य भगवान को आह्वान किया, सूर्य भगवान सामने आ गया, क्वारी के कर्ण भय सूर्य पुत्र कर्ण। मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है, तुलसी बाबा ने भी बताया है कि मंत्र महामन विषय प्याल के कठिन कुंक भाग के। मंत्र के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। अब तो राजा रघुगढ़ हाथ जोड़ के भरत के आगे खड़ा है, ए भैया मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती, मैंने तुम्हें पालकी में लगाया, अनजान में लगा, मैं ज्ञान सीखने जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम में, पर मुझे क्या पता कि ज्ञानी मुझे रास्ते में मिल जाएगा। ज्ञान कहीं दुकान पे नहीं मिलता है, ज्ञान कहाँ मिलता है? सत्संग में। धन कहाँ मिलता है? राजा के दरबार में। ज्ञान सत्संग में मिलता है, सत्संग में आ गई ज्ञान की प्राप्ति होगी। सत्संग जड़ बुद्धि को दूर कर देती है। सत्संगत जड़ बुद्धि को दूर कर दिया। बस राजा रघुवर ने भरत के चरणों में नमन किया और पालकी को अपने देश के लिए वापस लौटा दिया और जाकर के अपने राज्य में पहुंच गया। आज का प्रसंग यही, आज की कथा यही विराम लेगी। कल अजामिल चरित्र, प्रहलाद चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन और बामन भगवान की कथा, बामन भगवान का पराक्रम। और अब यही कथा का विराम, हमारे संगीत मास्टर भैया थोड़ा सा एक भजन, उसके बाद में भगवान की आरती होगी। हमारे महाराज जी सांगोली वाले की तरफ से सभी ब्राह्मण देवताओं के लिए भेंट दी गई है, हम संगीत कलाकारों के लिए भी 10-10 रुपए दिए गए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन में हूँ हम चले बरसाने वाले का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधारानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधारानी का। वृंदावन में हूँ हम चले बरसाने वाले का, श्री राधा रानी का।
दुनिया तारी जिसने सारी
मंजरे जया में जगदेश्वर नाराश्रे पुष्पाणी पुष्पाजय ग्रहण परमेश्वर सुमन सुगंधी सुमन सुमन सुगंधी वाल पुष्पाजलि अर्पण करो मेरे देव करो पुष्पाजलि पुष्पम तोर्पया बोले वृंदावन हरिलाल की सरकार की महाकाल भगवान की भगवान मैया की भगवान की यागी महाराज की जी महाराज की हरीश जी महाराज की राम सरकार की सतवारा महाराज की भक्त समाज की पुत्र समाज की संत समाज की आज के आनंद की भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में भावनाओं माता की सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पार्वती मते हर महादेव। हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि प्रसाद की व्यवस्था की जाए, प्रसाद बांटे, किसी भाई के लिए मोबाइल